Hello students, so this is the next lecture. Last class में alcohol और ether तक पढ़ लिया था. आज के लिए क्या बात बोली थी कि aryl halide और alcohol के लिए phenol वाले portion को, aromatic वाले portion को अपन यहाँ पर cover करेंगे. तो सबसे पहले अपन क्या start करेंगे, aryl halides. अब aryl halide क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के साथ क्या हो, हेलोजन जुड़ी हुई हो, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड. और अगर बेंजीन की जगह सिंपल एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड. तो सबसे पहले अपन बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, एमओपी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया. तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने पास क्लोरोबेंजीन की कहां से आती है, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. देखो कुछ पार्ट पुराना रिवाइज करा रहा हूं कि बेंजीन लेते हैं, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मिक्स एसिड के साथ. मिक्स एसिड का मतलब क्या होता है, भूलो ना कुछ, HNO3 प्लस H2SO4, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है. क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन का क्या कराते हैं अपन, टिन एचसीएल के साथ या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या फिर कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन H2NI रिडक्शन. नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एनिलीन में. और एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हो, नाइट्रस एसिड के साथ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, लो टेम्परेचर पे. और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देता है. जैसे ये पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एटम और क्लोराइड सॉल्युबल के रूप में. अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अपन क्या कर सकते हैं, बेंजीन रिंग पर अटैक करा सकते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है N2 पॉजिटिव चार्ज का. तो यहां पर ये वाला बॉन्ड इसके फेयर में SNAR टाइप रिएक्शन हो जाएगी, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां न्यूक्लियोफाइल और यहां पर N2 पॉजिटिव चार्ज, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बॉन्ड इसके फेयर में और यहां से N2 रवाना, इसको बोलते हैं SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और यहां पर क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है. अब एक वाइड रेंज होती है बेटा न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की अपने पास एक वाइड रेंज है. पहली रिएक्शन कौन सी बता रहा हूं, सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन क्या हो गया, CuCl प्लस HCl या फिर CuBr प्लस HBr या फिर CuCn प्लस HCn. तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन गया इससे, यहां से प्रोडक्ट क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन. यहां से प्रोडक्ट क्या आ गया, ब्रोमोबेंजीन. यहां से प्रोडक्ट क्या आ गया, बेंजोनाइट्राइल. बेंजोनाइट्राइल का अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दूं तो एसिडिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में. सीएन बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस याद है कि नहीं याद है. फिर ये तो हो गई सैंडमेयर रिएक्शन, पहले की लिखी हुई तीन. फिर इसको देख के गैटरमैन ने क्या करा कि कॉपर का तो पाउडर ले लो और HCl ले लो, तो रिएक्शन गैटरमैन चेंज हो गई, कॉपर का तो पाउडर और HBr. HF क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि कि HF क्या होता है, बहुत पुअर एसिड होता है, फ्लोराइड आयन फर्निश ही नहीं करेगा. फ्लोराइड आयन फर्निश नहीं करेगा तो फ्लोराइड आयन अटैक नहीं कर पाएगा. ये रिएक्शन कौन सी हो गई, गैटरमैन. यहां से वापस क्लोरोबेंजीन और यहां से वापस ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, वही चीज है. यहां पर अटैक होगा
अगर बी आर नेगेटिव है तो बी आर नेगेटिव अटैक करेगा, सी एल नेगेटिव है तो सी एल नेगेटिव अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, सी एन है तो सी एन नेगेटिव अटैक करेगा इस पर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन यहां पर हो गई है। यहां दो, यहां पर ध्यान दो, इधर से कॉपी कराओ। लिख लिया वाला पोर्शन, चलो इस पर बात करते हैं हम। अगर आयोडाइड जोड़ना हो तो केवल किसके साथ रिएक्शन करा दो, के आई के साथ, ठीक है। ईथर में घोल के के आई ले लो, आयोडाइड आयन बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, बड़े साइज के कारण बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड आयन। तो डायरेक्ट यहां से क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। अब फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो क्या करेंगे, तो अपन रिएक्शन काम में लेंगे बाल शिमेंस रिएक्शन। रिवाइज करवा रहा हूं, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन बोरोफ्लोरेट या फिर सोडियम बोरोफ्लोरेट के साथ हीट किया जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होकर N2 पॉजिटिव चार्ज और यहां पर बोरोफ्लोरेट जुड़ जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम बोरोफ्लोरेट। इसको फर्दर हीट करेंगे तो अपने पास फ्लोराइड ग्रुप तो यहां जुड़ जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा N2 और बाहर क्या निकल जाएगा BF3। इसको बोलते हैं बाल शिमेंस रिएक्शन। फिर अपन ने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, H2O के साथ, H2O के साथ तो OH ग्रुप जुड़ जाएगा, यहां पर अपने पास क्या आ गया, फिनोल आ गया। दिख रही है, समझ में आ रही है रिएक्शन, ठीक है। तो अपने पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो उस न्यूक्लियोफाइल को अपन यहां पर अटैक करा सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना, अगर यहां पर H3PO2 लिखा हुआ आ जाए या फिर इथेनॉल लिखा हुआ आ जाए या फिर फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ आ जाए, इसको किसमें रिड्यूस कर देना बेटा, बेंजीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड हो गया और ये पुरानी चीजें एक बार वापस से रिवाइज करवा दी आपको भाई। एन टू पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बेंजीन रिंग बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पर करवा दिया, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करवाते। पूरा कॉपी करो एक बार, है ना। Got my point? तो method of preparation इस तरीके से आती है। दूसरी method of preparation है from benzene, halogenation करा दो, chlorination कराना है, benzene ring plus Cl2 और यहां पर क्या ले लें अपन AlCl3 या FeCl3, यहां से क्या प्रोड्यूस होगा Cl पॉजिटिव चार्ज डॉट 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 Cl नेगेटिव चार्ज और AlCl3, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराकर कौन सी रिएक्शन दे देगा, क्लोरोबेंजीन पहले भी पढ़ा चुका हूं। वैसे ही रिएक्शन अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा Br2 प्लस Fe या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा Br2 प्लस FeBr3, एक ही बात है। यहां से Br पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा और Br पॉजिटिव बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराकर क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरीनेशन नहीं कराया जा सकता, आयोडीनेशन कराना हो तो डायरेक्ट I2 के साथ रिएक्शन करा दो, बेंजीन रिंग लो, रिएक्शन किसके साथ I2 के साथ, क्या मिलेगा आयोडोबेंजीन
प्लस एच एफ एच आई मिलता है, एच आई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसके लिए अपन एच आई ओ थ्री या फिर एच एन ओ थ्री डाल देते हैं डाइल्यूट कंडीशन में, ताकि ये जो अपना रिड्यूसिंग एजेंट है इसकी प्रॉपर्टी क्या हो, रिडक्शन की नहीं हो और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं जाए, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आयोडीनेशन कराया जाता है। तो ये हो गई अपने पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अपन बात करेंगे किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र हो रहा है तो एक बार मैं वापस ईएएस रिवाइज करवा रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पाइबॉन्ड पाइबॉन्ड पाइबॉन्ड, पहले कौन अटैक करता है बेटा बेंजीन रिंग पर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्यों अटैक करता है बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल, क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। तो कौन सा कैटायन देता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने के बाद कैटायन जो बनता है उसका नाम क्या होता है बताओ, अरिनियम आयन। वेरी गुड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहां पर, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन एटम। जितनी बार बेटा रिवाइज करके याद करोगे, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उतनी ज्यादा रिमेम्बरेंस रहेगी तुम्हारे को। क्या बोलते हैं इसे, अरिनियम कैटायन। अरिनियम आयन के साथ साथ और क्या बोलते हैं, वीलेंड कॉम्प्लेक्स। वीलेंड कॉम्प्लेक्स के साथ साथ और क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं पाई बॉन्ड तोड़ के, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ, कि जो इलेक्ट्रोफाइल बना है अपना जुड़ा है यहां पर, अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हटाने के लिए क्या करता है, जो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन हाइड्रोजन को बैकअप देगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर इलेक्ट्रॉन छोड़कर वापस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी आ गई और हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। इसको अपन कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ईएएस बोलते हैं। तो बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से जुड़े हुए दूसरे ग्रुप सारे के सारे कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस खास बात यह है कि इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लिखिए यहां तक, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो हेलोजिनेशन ही पढ़ा देता हूं। पहले से ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है और रिएक्शन Cl2 प्लस FeCl3 के साथ आ गई। तो क्लोरीन कैसा होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला मेजर होगा। क्यों, ऑर्थो वाले पर क्या दिक्कत आ रही है, स्टेरिक क्राउडिंग आ रही है, क्लोरीन का साइज बड़ा अच्छा खासा है, रिपल्शन होगा। फिर वही बात है, ब्रोमोबेंजीन ले लो, Br2 और FeBr3 या Br2 और केवल क्या लिखा हुआ मिलेगा, Fe। वापस ब्रोमीन कहां पर जुड़ेगा, पैरा पोजिशन पर ही जुड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन का साइज तो और बड़ा है, तो मेजर प्रोडक्ट अपने पास क्या आएगा, वापस पैरा वाला, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट। आयोडीन में तो ऑर्थो बनेगा ही नहीं, हेलोजिनेशन हो गया, यहां ध्यान दो। दूसरा अपन कौन सा पढ़ाएंगे, नाइट्रेशन याद है, नाइट्रोनियम आयन, क्लोरीन एटम लिया, इसके साथ रिएक्शन करा दिया, मिक्स एसिड। मिक्स एसिड का मतलब क्या होता है, HNO3 प्लस H2SO4। कहां पर जोड़ूंगा बताओ, क्लोरीन एटम का लोन पेयर देने के कारण क्लोरीन एटम कहां कहां पे डेल नेगेटिव बनाता है, ऑर्थो और पैरा पे। ये कौन सा कैटायन जनरेट करते हैं, नाइट्रोनियम आयन, तो नाइट्रोनियम आयन कहां पर जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो जो हेलो बेंजीन होती है वो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कौन सी डायरेक्टिंग नेचर की होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर की होती है। तो एक बार तो क्लोरीन एटम के साथ नाइट्रो ग्रुप को कहां जोड़ दूंगा,
ऑर्थो वाले पे, और एक बार कहां पर जोड़ दूंगा, पैरा वाले पे। नाइट्रो खुद कैसा ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप है कि नहीं है, तो मेजर कौन सा मिलेगा, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? पैरा वाला मेजर मिलेगा अपने पास। थर्ड, यहीं पे दूसरी रिएक्शन बढ़ा देता हूं, सल्फोनेशन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए काम में करते हैं, इसकी रिएक्शन किसी के साथ करा दू, H2SO4 प्लस SO3। SO3 क्या करता है, डाइल्यूशन रोक देता है पानी बनने से, तो ये अपने पास क्या होगा, SO3 जुड़ जाएगा यहां पर क्लोरीन के साथ, ऑर्थो प्रोडक्ट और प्लस पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट फिर वापस अपने लिए क्या होगा, मेजर आ जाएगा। तो सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन बता दिया। बस ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि क्लोरीन एटम लोन पेयर कंटेनिंग है, लोन पेयर देगा तो कौन सा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होगा। तो हेलो बेंजीन कैसी होती है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे लाएंगे, ऑर्थो पे और पैरा पे, नोट डाउन कीजिए।